गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 को आज कंप्लीट करने जा रहे हैं अपन। इसके चार क्वेश्चन अपन पहले कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ। पढ़ने जा रहे हैं पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, पी क्यू लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है ओ आर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। OS is another ray lying between rays OP and OR. OP और OR के बीच में एक रे है जिसका नाम है OS. तो अपन अपने को ये प्रूव करने के लिए कहा है कि ROS जो है एंगल ROS is equal to half of ब्रैकेट ओपन एंगल QOS माइनस एंगल POS. देखो भी गिवन के अंदर आप एक HD लिख सकते हो और ये चीज अपन ने प्रूव करनी है, ये आप लिख लेते हैं अपन। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने, अपने प्रूव करना है हाफ ऑफ ब्रैकेट ओपन एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू क्या है एंगल ROS। चाहिए पहले लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आप करते हैं प्रूफ की, हमेशा इसको देख के प्रूव करते हैं। देखो भी अपने को जो गिवन है ना, इसको देख के प्रूव करते हैं। एंगल QOS, एंगल QOS चाहिए अपने को, एंगल QOS, QOS की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो भी क्यू ये रहा, ओ ये रहा, एस ये रहा, QOS को आप लिखोगे QOR एंगल QOR प्लस में एंगल ROS, एंगल ROS, ठीक है बेटा। एंगल QOS को फिर दोबारा लिख रहा हूं मैं, एंगल क्यू ओ आर को आप 90 डिग्री लिख दोगे प्लस में एंगल आर ओ एस लिख देते हैं और इसको नंबर आप 1 मान लेते हैं। इसी तरह से एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस किसके इक्वल आएगा, पी एरा ओ एरा एस एरा। ऐसे करो, पी ओ एस को एंगल पी ओ आर नहीं लिख सकते, लेकिन मैंने लिख दिया। जितना एक्सटेंड कर दिया एंगल, जितना बढ़ा दिया उतना ही कम कर दोगे। पी ओ एस था, मैंने लिख दिया पी ओ आर एस, पी ओ आर लिख दिया। कितना बढ़ गया ये एंगल ROS, ROS जितना माइनस कर दोगे एंगल ROS तो वही वैल्यू हो जाएगी। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, एंगल POS इज इक्वल टू POR, POR कितने डिग्री का आएगा 90 का, क्योंकि ये 90 का था तो इधर वाला भी 90 डिग्री का रह जाएगा, माइनस एंगल ROS, इसको नंबर आप क्या मान लेते हैं सेकंड। देखो और इसमें से इसको क्या किया गया माइनस, यानी कि 1 माइनस 2 करते हैं, नंबर 1 माइनस नंबर 2। लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करते हैं, एंगल क्या आएगा QOS माइनस एंगल क्या आएगा POS, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये क्या था भाई, 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 माइनस एंगल ROS ब्रैकेट क्लोज, ये क्या आएगा भाई, एंगल QOS माइनस एंगल POS ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 प्लस एंगल ROS, तो 90 से 90 कर जाएगा। एंगल ROS प्लस एंगल ROS, पहले इधर वाला लिखते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू क्या आएगा 9, ये आएगा डबल ऑफ एंगल ROS आ जाएगा। ये 2 को आप नीचे लेके आ सकते हो, क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट ओपन एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS, और यही अपने को प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, आपको एक्स वाई जेड यानी कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, आपको एंगल कितने डिग्री दे रखा है, ये 64 डिग्री दे रखा है, 64 डिग्री। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया गया है, पी तक प्रोड्यूस किया गया है। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, अपनी फिगर ड्रॉ कर ली है। इफ रे वाई क्यू, वाई ए रहा, ये रे वाई क्यू ड्रॉ करते हैं, लिखा क्या है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड ये रहा वाई ये रहा पी, इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है,
यानी कि इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू क्या है, इक्वल है। हां जी भी, तो निकालना क्या है अपने, तो गिवन के अंदर तो आप एज इट लिख सकते हैं जो दे रखा है आपको एज इट। और टू फाइंड क्या करना है अपने, टू फाइंड एक तो निकालना है जेड वाई पी, जेड ये रहा वाई एंगल जेड वाई पी कोमा, और क्या निकालना है, सॉरी निकालना क्या है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई और क्यू निकालना है कोमा, और क्या निकालना है क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। स्टेटमेंट मैंने आपको पूरी रीड करवा दी, तो बात आप करते हैं सॉल्यूशन की। जैसे कि ऊपर गिवन के अंदर था कि जो वाई क्यू जो रे है, रे वाई क्यू, रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी था, जेड वाई पी। एक काम करोगे यानी कि दोनों एंगल की वैल्यू क्या इक्वल, लेट कर लेते लेट एंगल जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स डिग्री मान लेते हैं। तो ये एक्स डिग्री हो गया, ये एक्स डिग्री हो गया। तो अपने को पता है कि पी वाई एक्स, पी वाई एक्स इज ए, ये क्या है लाइन। तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा एक्स प्लस 64 ये हो जाएगा 180 के बराबर, 2x प्लस 64 ये हो जाएगा 180, 2x किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 64 और 2x आ जाएगा 116, x इज इक्वल टू 116 बाय 2 ये आ जाएगा 58 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू निकल गई है, तो अपने निकालना क्या है, अपने निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स ये रहा वाई ये रहा क्यू ये रहा, एंगल एक्स वाई क्यू के लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, दिस प्लस दिस 64 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, 2 ये 122 आ जाएगा। और कौन सा निकालना है भी अपने, और क्यू वाई पी, क्यू ये रहा वाई ये रहा पी ये रहा, एंगल क्यू वाई पी जो किसके बराबर है एक्स डिग्री के बराबर, और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 58 डिग्री। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, किसी फेयर कॉपी पे आप नोट कर सकते हो। ओके।